नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आती है, इसमें आई हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अभी जो है इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं आया हुआ है, अभी जो है शॉर्ट नोटिस आया हुआ है जिसमें जो है वैकेंसी निकल रखी है, तो मैं आपको इस वीडियो में उसके रिगार्डिंग बात करूँगा। अगर वीडियो पसंद आता जरूर दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा, आपको हमारे चैनल में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए हम आप लोगों के लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी निकल रखी है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में जो है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो है वैकेंसी निकल रखी है। तो यहाँ पे अगर आप पोस्ट की बात करें दोस्तों, कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट है, तो देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है आपका जो है यहाँ पे 5 जो है टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के जो है एलिजिबल है दोस्तों। देन दोस्तों अगर बात किया जाए यहाँ पे कि और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे दोस्तों डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से और 60% आपके मिनिमम है, तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट जो है 21 लेके 27 साल जो है एज लिमिट रखी गई है। अगर दोस्तों यहाँ पे बात की जाए सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपका आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में, कितना एप्लीकेशन फ़ी वगैरह यहाँ पे लिया जा रहा है इस वैकेंसी से रिगार्डिंग। तो दोस्तों इस वैकेंसी से रिगार्डिंग कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिया जा रहा है, ये जो है फ्री का फॉर्म है। देन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म जो है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अभी जो है इसका शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, तो ये जो है आपका 16 नवंबर 2020 से जो है इसकी वैकेंसी स्टार्ट हो रही है, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों 13 दिसंबर 2020 रखी गई है। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। इसका दोस्तों अगर मैं बात करूँ शॉर्ट नोटिस के लिए, आप देखना है कैसे देख सकते हो इसका शॉर्ट नोटिस, तो आपको जो है यहाँ पे और क्लिक हियर टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो नोटिस है दोस्तों वो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाएगा। देखेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोटिस इसका इस प्रकार आया हुआ है, जहाँ पे दोस्तों सैलरी की बात की जाए तो 44,900 जो है बेसिक पे रखा गया है। देन दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो ये जो आपका वैकेंसी है ये में इंक्रीज और डिक्रीज़ हो सकती है, जिसमें जनरल्स के लिए 4 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे लिया गया है। देन दोस्तों अगर बात कर लिया जाए और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो इसमें लिखा गया है फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप जो है इनकी वेबसाइट www.nwda.gov.in पे जाएं। तो दोस्तों ये 16 तारीख को जो है इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, अभी जो है ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है हुआ है जिसमें मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं वीडियो को एंड करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल है, और हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिनकी लास्ट डेट ख़त्म होने वाली है, उससे पहले आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है हम आपको यहाँ पे बताते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।